अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की जो हम आपको बताएंगे एनएलसी की जॉब्स के बारे में, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल में जॉब्स अनाउंस हुई हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं, आपको इस वीडियो मुकम्मल डिटेल से बताएंगे आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और उसका जो मुकम्मल प्रोसेस है वो आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, उसको स्किप नहीं करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आईडीज के लिंक आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाजार सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट पे और आपको बताते हैं इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जॉब बाजार 22, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पहले लिंक पे जहाँ पे जॉब बाजार लिखो है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जॉब्स, एडमिशन, प्राइवेट जॉब, स्कॉलरशिप्स और इंटरनेशनल जॉब्स के अलर्ट्स मिलते रहते हैं। तो आप ब्लू कलर के फॉलो बटन को प्रेस कर लें या आप सेलेक्ट करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई अपडेट हो आपके पास को नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब आप यहाँ पे थोड़े से नीचे आएंगे और यहाँ पे आपने पेज नंबर यहाँ से 3 ओपन करना है। जब आप यहाँ पे पेज नंबर 3 ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी एनएलसी जॉब्स। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसमें बेसिकली दो एड्स हैं और दोनों एड्स के एप्लीकेशन फॉर्म भी आप यहाँ पे इनको देख सकेंगे और डाउनलोड कर सकेंगे और अप्लाई ऑनलाइन भी यहाँ से कर सकेंगे। कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है तो हम सबसे पहले इसकी डिटेल आपसे शेयर करते हैं, फिर आपको बताएंगे आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहला जो ऐड है ये आप चेक कर सकते हैं, आपने यहाँ से गौर से देखना है। ये वाला जो ऐड है ये इसकी लास्ट डेट है 26 जनवरी, ठीक है। और ये जो दूसरा ऐड है इसकी लास्ट डेट है 7 फरवरी। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एज वगैरह नज़र नहीं आ रही, ये भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इस ऐड में ये जो 26 जनवरी का ऐड है जिसकी लास्ट डेट 26 जनवरी है, इसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर असिस्टेंट मैनेजर तक, इसमें करना है आपने यहाँ तक ऑनलाइन अप्लाई। उसके बाद बाकी जितनी भी सीटें हैं इनका आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट करके आपने उसके साथ जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे मेंशन है आपने इस एड्रेस पे सेंड कर देना। ये भी आपको बताएंगे आपने कैसे इसमें जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद जो दूसरा ऐड है ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो सीरियल नंबर 1 है, मतलब पोस्ट नंबर 1 है, इसके लिए आपने करना है ऑनलाइन अप्लाई। उसके बाद जो सीरियल नंबर 2 से लेकर 4 तक जो है इनका एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, लेकिन आपने इस लाहौर के एड्रेस पे सेंड करना है। उसके बाद जो सीरियल नंबर 5 से लेकर 13 तक यहाँ तक है, इसके भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और रावलपिंडी आपने यहाँ पे इस एड्रेस पे सेंड करना है 7 फरवरी से पहले। अब आ जाती है बात कि इसका क्राइटेरिया कैसे चेक करना है। आपको पोस्ट पे एक लिंक नज़र आ रहा होगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एनएलसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। ये हो सकता है कंप्यूटर पर ओपन हो क्योंकि इनकी वेबसाइट कुछ इस तरह से है कि ये मोबाइल पर शायद ओपन ना हो। तो यहाँ पर आपने पोस्ट चेक कर लेनी है और इनकी लास्ट डेट भी यहाँ पे मेंशन है। तो 26 जनवरी वाले जो हैं जिनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये सारी आपने यहाँ पे रीड कर लेनी है। उसके बाद थोड़े से नीचे आएंगे और ये दोनों एड्स जो हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जिसकी लास्ट डेट 26 जनवरी है उसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से मिलेगा और जिसकी लास्ट डेट 7 फरवरी है उसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मिलेगा। ये तो हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसका क्राइटेरिया कैसे चेक करना है। अब जैसे कि आपने 7 फरवरी वाली का ऐड का आपने क्राइटेरिया चेक करना है तो आपने यहाँ पे व्यू के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्राइटेरिया के बटन पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में जो क्राइटेरिया है ये ओपन हो जाएगा, व्यू आपके सामने ओपन हो जाता है। ये सारा क्राइटेरिया आपके सामने, एज वगैरह सब कुछ, क्वालिफिकेशन सारा कुछ आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे इसको रीड कर लेना है। उसके बाद आपने 26 जनवरी वाली का अगर आपने चेक करना है क्राइटेरिया तो यहाँ पे आपने व्यू के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है क्राइटेरिया पे, तो आपके सामने जो पीडीएफ फॉर्मेट में क्राइटेरिया जो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने इस तरह इसका क्राइटेरिया चेक करना है। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है उसका यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और जिन पोस्टों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है वो आपने यहाँ पर इसको चेक कर लेना है। तो इस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।